दोस्तों, छोटा कैलाश भीमताल ब्लॉक में विख्यात शिव मंदिर है, जहाँ की यात्रा पर हम आपको इस वीडियो में लेके जा रहे हैं। दोस्तों, छोटा कैलाश को जाने का रास्ता बहुत ही सुंदर है। छोटा कैलाश के बारे में मान्यता है कि सत्ययुग में भगवान महादेव एक बार यहाँ पर आए थे, और हिमालय भ्रमण के दौरान भगवान शिव तथा पार्वती ने इस पहाड़ी में विश्राम किया था, और महादेव ने यहाँ पे एक धूनी जलाई थी। दोस्तों, इस मंदिर पे पहुंचने का रास्ता बहुत ही मनमोहक है। अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं, अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं, या आप भगवान के भक्त हैं, आप ट्रैवलर हैं, या आप नैनीताल घूमने आ रहे हैं, अगर आपको मौका मिले तो आप इस कैलाश मंदिर को जरूर घूमने आइएगा। हम आपको इस वीडियो में कैलाश मंदिर के बहुत सारे नजारे दिखाएंगे। यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको कैसे आना है, ये मंदिर हल्द्वानी से करीब 30 किलोमीटर दूर स्थित है, और यहाँ चलने के लिए आपको करीब 3 साढ़े 3 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो को आप थोड़ा टाइम निकाल के देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। वीडियो स्किप मत करिए और इस मंदिर के नजारे देखिए। नमस्कार दोस्तों, नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। मेरे हाथ में हेलमेट है, अभी मैं इसकी सेटिंग सही कर रहा था ना। हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए और हम लोग जा रहे हैं पहाड़ों की तरफ। को सो आप लोग को पहाड़ों को दिखाते हैं, हमारे कितने खूबसूरत पहाड़ है। आज मजे की बात है, आज बारिश भी हो रही है, तो हल्की हल्की बारिश में हमारे पहाड़ देखना कितने अच्छे लगते हैं। हम लोग जा रहे हैं टूवर्ड्स नैनीताल, अभी हम नैनीताल रोड की तरफ को जा रहे हैं। कहाँ जाएंगे आगे, बस सुबह मॉर्निंग वीकेंड की ड्राइव पे जा रहे हैं, देखते हैं कहाँ तक जाते हैं, अभी हमें खुद नहीं पता है। कमल को पिक करता और हम लोग निकलते हैं। जो अभी अपडेट आ रहा है वो कुछ अच्छा नहीं आ रहा है, मौसम की जानकारी आ रही है। एक जानकारी क्या, पीछे आप देख सकते हैं बारिश होने लग गई है। स्कूटी तो बिल्कुल साफ हो गई है, धुल भी गई है रात को बारिश से, क्योंकि रात को काफी बारिश हुई है उत्तराखंड में। सो गाइस, फाइनली अपडेट है, बारिश रुक गई है। स्कूटी पूछता हुआ निकलते हैं। चुका है कमल, हम लोग निकलते हैं। आज कमल पूरा इक्विपमेंट लेके आया, सो निकले चलो। दोस्तों मौसम देखो कितना कातिल हो रहा है, अभी हम काठगोदाम पहुंचने वाले हैं। रास्ते में हमारी देखो कहाँ नजर पड़ी, अल्मोड़ा स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट। यहाँ पर सिंगौड़ी चॉकलेट बाल मिठाई और ब्रेड पकौड़े बने, लेकिन हमने क्या लिया है, समोसे बनवाए गर्मा गर्म। गर्मा गर्म बन रहे हैं, कमल भाई ने ऑर्डर दिया, बढ़िया समोसे बनते हैं। उसके बाद हम लोग कहीं ट्रैक जाने की सोच रहे हैं, देखते हैं क्या होता है आगे। अभी कुछ प्लान बन रहा है, बनते बनते गर्मा गर्म प्लान परोसा जाएगा आपको, आगे जाते जाते क्या चेंज भी हो सकता है, तो बने रहिए वीडियो में, बहुत मजा आएगा। तो हम लोग समोसा लेने यहाँ पर आए थे दुकान में, बट हम लोग को यहाँ से जो खुशबू आई वो हमें रोक नहीं पाई और हम लोग यहाँ बैठ गए। देखिए हमने छोला भटूरा मंगा दिया है। तो गाइस, हम लोग ने ट्रैक शुरू करने की सोची है, छोटा कैलाश को जाने की सोची है। छोटा कैलाश का ट्रैक जो होता है वो शुरू होता है भीमताल और रानीबाग के बीच से शुरू होता है। तो आज हम आपको छोटा कैलाश घुमाएंगे, छोला भटूरा आता है वो खाते हैं और निकलते हैं यहाँ से। तो आ चुकी है गर्मा गर्म चाय। सो गाइस, इंतजार का फल देखिए, भटूरा भटूरा हो गया ये देखिए, इंतजार का फल छोला भटूरा हुआ है ये देखिए। अरे वाह, थे कि जल्दी निकलते हैं, जल्दी पहुंचेंगे, बट ये छोले भटूरे और समोसे ने तो हमें रोक ही दिया। इसको फिनिश करते हैं और निकलते हैं। खुशबू आ रही है, खुशबू तो ऐसी खतरनाक आ रही है कि क्या बताऊं। कमल भाई करते फिनिश, सो कमल भाई मैं और मैं इसे जल्दी से फिनिश करते हैं और निकलते हैं आगे। टेस्टी सा नाश्ता फिनिश हो गया है, लेकिन एक चीज़ और हो गई है, यहाँ पर बारिश शुरू हो गई है। तो गाइस, अब हम लोग यहाँ से ना नैनीताल की तरफ से जा रहे हैं। नैनीताल वाली रोड हमने छोड़ दी क्योंकि लेफ्ट साइड से जा रही है, हम जा रहे हैं टुवर्ड्स नैनीताल। तो गाइस, ये रही भीमताल वाली रोड जो नीचे आती है, ऊपर को जाओगे तो आप नैनीताल वाली रोड पे पहुंचोगे भाई। हम लोग भीमताल वाले तट पे आ गए हैं, यहाँ से हमने वो पुल क्रॉस कर लिया आयरन ब्रिज, और हम लोग आगे चलते हैं। और बारिश बहुत तेज हो रही है यहाँ पे, तो बारिश की वजह से मजा भी आ रहा है, थोड़ा तो डर भी लग रहा है, बट ऐसा नहीं है हम भीग रहे हैं, थोड़ी बहुत पहुंच रही तो इसमें मजा आ रहा बहुत। आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं मजेदार चीज। सो गाइस, छोटा कैलाश के एंट्री द्वार में हम लोग पहुंच चुके हैं। एज यूजल हम अपनी एक्टिवा में आए हुए हैं, मेरे साथ कमल आया हुआ है, जैसे आपने देखा था वीडियो में शुरू में। एक्टिवा में चलते हैं, अब हमें एक्टिवा की आदत सी हो गई है, कोई टेंशन नहीं है। वैसे कमल बाइक भी ला रहा था, मैंने मना कर दिया, मैंने कहा दो गाड़ी ले जाने का फायदा नहीं है ना। पहले मैं सोचा था कि मोटर व्लॉगिंग हो जाएगी, बाइक लाऊंगा, कोई बात नहीं, अपनी कल को कर लेंगे। पर सो गाइस, यहाँ से हम लोग की एंट्री स्टार्ट होती है छोटा कैलाश रास्ते के लिए, और हमें कहाँ जाना है पूछना पड़ेगा क्योंकि हमें ज़्यादा पता नहीं है यहाँ पे। सो गाइस, मौसम चेकआउट करो, अब हम लोग आगे आ गए हैं थोड़ा सा, और देखो ऊपर कैसे बादल आ रहे हैं, कितना मज़ा आ रहा है। सो गाइस, अभी हमने पता करा यहाँ से 10 किलोमीटर और जाना है हमें, उसके बाद एक छोटा सा कैलाश द्वार आएगा, वहाँ से गाड़ी ऊपर जानी है, देखते हैं गाड़ी कहाँ तक जाती है। बट रास्ता देखिए कितना अच्छा है, और अगर आप उससे आ रहे हैं, कार से आ रहे हैं ना, हम लोग कार से नहीं आ रहे, हम लोग बाइक से आ रहे हैं, तो अगर आप कार से आ रहे हैं तो आराम से यहाँ तक तो आ सकते हैं। आपको आपको बताता रहता हूँ कि कार के लिए कहाँ तक आ सकते हैं। नज़ारे हैं देखिए गाइस, पहली बार आ रहा हूँ मैं साइड, एक नदी आ गई है,
भाई मैं तो कह रहा हूँ नहा लेंगे कपड़े भाई यहाँ पे मैं तो कपड़े भी लेके आया हूँ नहाने के लिए तैयार हूँ भाई। देखिए भाई इसको चेकआउट करो यार, एक्सपेक्ट नहीं करा था हमने। ये देखो गाइस, देखो यहाँ से नदी बह रही है एक भाई साहब, ये ऊपर से देखिए पानी आ रहा है और ये पूरा नदी में मिल रहा है और ये बिल्कुल हमारे बहुत पास है, हम चाहते हैं यहाँ से नीचे आ सकते हैं बट अभी हम जा नहीं रहे, बट ये नदी देख के तो बहुत ही मज़ा आ गया। और यहाँ से देखिए बादल कैसे फूट फूट के नीचे को आ रहे हैं यार, लोकेशन है। और बारिश फिर से शुरू हो गई है तो आगे बढ़ते हैं, अभी हमें 10 किलोमीटर और जाना है। तो कुछ ऐसी बीच में थोड़ी सी ख़राब रोड मिली है, बट ऐसी ख़राब भी नहीं, यहाँ पर कुछ पहाड़ी कच्ची है इसलिए ऐसा हो रहा है, बट आगे ठीक है, बहुत ही मनोरम बना हुआ है रोड अभी तक, बहुत अच्छी है। कम से कम हम 4 किलोमीटर आगे आ गए हैं, अभी लगता है 6 किलोमीटर और है, बट कितना ट्रैवल करना है भाई गाड़ी और कितना फुट करना है वो आपको बताते हैं आगे। भाई व्यू चेकआउट करो ज़रा, बादल देखो तो पहाड़ देखो और ये रोड सुनसान रोड, बहुत मज़ा आ रहा है इसमें, क्या व्यू है यार। आज मौसम इतना अच्छा बना हुआ है ना, बारिश हो रही है तो सोने पर सुहागा हो रहा है। वाटर बॉडी आ गई देखिए, यहाँ से पानी आ रहा है, फिर क्रॉस करके हम लोग जा रहे हैं। और देखो इधर भाई, ये तो बिल्कुल टेन आउट ऑफ टेन जगह। तो बीच बीच में ऐसा रास्ता भी आ जाता है जहाँ आपको बहुत संभल के चलना पड़ता है। सो गाइज, यहाँ से हमें एक दूसरा गेट मिला है, इसमें लिखा है छोटा कैलाश मार्ग। सो आदि कैलाश धाम में हम लोग जाते हैं। अभी 12-13 किलोमीटर और पड़ेगा और गाड़ी कितनी चली जाएगी? अच्छा 12-13 है गाड़ी का, फिर उसका 2 किलोमीटर पैदल। अच्छा इसी रोड में चलना है हमें, कहीं इधर उधर नहीं जाना, सीधे जाना ठीक है। वहाँ पे बोर्ड बोर्ड लगा होगा ना कुछ? थैंक यू भैया। यहाँ जानवर भी आते हैं क्या? यहाँ नहीं है ना दोस्तों। अब तो बहुत अच्छी डामर की रोड शुरू हो गई है, व्यू तो बहुत ही अच्छा है। बीच बीच में थोड़ा पत्थर गिरे हुए, आराम से संभल के चलना है, बारिश में चलता ना। ये देखिए यहाँ पर लैंडस्लाइड हुई है ना, लेकिन व्यू तो ऐसा है कातिल है कातिल, और इतना अच्छा लग रहा है ना बारिश की वजह से, और भी मज़ा आ रहा है। तो हम लोग बेस्ट डे जा रहे हैं लग रहा है। देखिए रोड अब काफ़ी अच्छी रोड शुरू हुई है, बिल्कुल थोड़ी बहुत जो कच्ची आई थी, लेकिन फिलहाल रोड यहाँ तक काफ़ी अच्छी बनी हुई है, ऐसा नहीं कि आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली है। अभी हम लोग जितना आ गए उसमें आपका 4-व्हीलर आराम से आ जाएगा। गाइस व्यू चेकआउट कर रहे हैं यार, कितना मज़ेदार रास्ता है ये, आई थिंक ये तो नैनीताल जाने से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। एक और वाटर बॉडी आ गई है, इसका हम क्रॉस कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखिए ये। तो गाइस बारिश शुरू हो गई है, हम लोग ने आधा रास्ता कवर कर लिया, वाटरफॉल आया देखिए कितना अच्छा लग रहा है, और हम लोग यहाँ पर रहे हैं अभी, हमने स्कूटी यहाँ पर पार्क करी है। रास्ता बहुत ही अच्छा बना हुआ है, रोड बहुत अच्छी बनी है, हमें इतने अच्छे अच्छे नज़ारे दिख रहे हैं कि बार बार मन कर रहा है रुकने का। बारिश तेज हो गई है, आगे कंटिन्यू करते हैं। सो गाइज नज़ारे चेकआउट करा, मतलब ऐसे नज़ारे हो रहे हैं ना, मैं और कमल रुक ही गए हैं। कमल कैसे नज़ारे हो रहे हैं? बढ़िया एकदम, जितनी ऊंचाई पे जा रहे हैं ना और प्यारा और मजा हो रहा है, दिख रहा ना कोहरा और ज्यादा कोहरा दिख रहा है, बारिश इतनी अच्छी लग रही है ना, देखिए बारिश हो रही है बिल्कुल, हम लोग पूरा भीग चुके हैं। और ये नज़ारा देखिए, कुछ नहीं दिखेगा आपको, ये देखिए यहाँ से हम नीचे आपको वैली दिखा रहे हैं, बट वैली दिखेगी नहीं, ये वो रोड है जहाँ से हम आ रहे हैं, यहाँ पर हमने अपनी गाड़ी पार्क करी हुई है। तो गाइस मेरे पीछे आप देखिए पूरा बादल दिख रहा है, कुछ दिख नहीं रहा होगा ना, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कोई वॉलपेपर लगाया होगा, इतना अच्छा हो गया ना यहाँ पे, पूरा बादल आ गए हैं देखिए, ये पूरी वैली है पीछे और इतना मज़ा आ रहा है। भीग गया हूँ मैं देखिए, बारिश क्योंकि हल्की 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 होने में लगी पड़ी है, लेकिन कितना मज़ा आ रहा है गाइस, क्या बताऊँ आपको। हमने स्कूटी वहाँ पर पार्क करी है, अभी भी यहाँ से बता रहे हैं करीब 7-8 किलोमीटर है, अभी दो लोग बाइक में जा रहे थे उनसे पूछा, तो आगे कंटिन्यू करते हैं, बहुत बहुत ही मज़ा आ रहा है। आगे जो ट्रैक स्टार्ट होगा ना 2 किलोमीटर का, मैं तो उसका वेट कर रहा हूँ, कितना मज़ा आएगा और ऐसे मौसम में। चलो भाई आगे चलते हैं। सो गाइस हम लोग फिर से रुक चुके हैं, क्यों रुके मैं आपको दिखाता हूँ, ये व्यू देखिए इन 1 2 3। तो गाइस ये नज़ारा हम लोग देखने के लिए रुके हैं, बारिश बहुत तेज हो चुकी है, मैं आगे से पूरा भीग चुका हूँ, बट नज़ारे इतने अच्छे बने हैं। आप पीछे क्लाउड मूवमेंट देखिए जो मैंने आपको दिखा रहा हूँ वीडियो में, अरे भाई मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। ये देखिए रोड देखिए कैसी है, लेकिन इतना अच्छा मनमोहक रास्ता है ना, मज़ा आ गया और मैं पूरा भीग चुका हूँ, बारिश के दिन हम लोग आए हैं, बहुत मज़ा आ रहा है, आगे कंटिन्यू करते हैं। सो गाइस हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं, यहाँ पर आदि कैलाश का गेट लगा हुआ है, ये एंट्री गेट है, यहाँ पर अभी हमने अपनी बाइक पार्क करी है, बट मुझे लगता है कि हमें और आगे जाना है और हमारी गाड़ी और आगे जाएगी। कमल पूछने जा रहा है, यहाँ पर देखिए आदि कैलाश का बोर्ड लगा है,
पता करके आ गया कमल, यहाँ से सीधे जाना है गेट की तरफ को, कितना किलोमीटर? 3 किलोमीटर करीब है और थोड़ा आगे तक तो गाड़ी जाती है कह रहे हो। बहुत ही अच्छा लग रहा है, कितना मजा आ रहा है। कमल कम भीगा है क्योंकि पीछे बैठा है, मैं आगे से पूरा तर हो चुका हूँ, लेकिन भाई साहब बहुत ही बढ़िया कातिल मौसम है, कातिल मजा आ गया भाई। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं जहां पर हमें अपनी गाड़ी पार्क करनी है। हमने अपनी गाड़ी यहां पार्क कर दी, जो मैंने आपको बताया था दुकान ना, वहां से करीब आधा किलोमीटर और आगे आ सकते हैं। उसके बाद से सीढ़ियों से ट्रैक है, मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर गाड़ियों की अच्छी पार्किंग बनी हुई है, अगर आप फोर व्हीलर से भी आ रहे हैं आपकी फोर व्हीलर यहां आराम से पूरी आ जाएगी। अब यहां से आगे सीढ़ियां दिखाता हूं, वहां से हम लोग अपना ट्रैक स्टार्ट करते हैं। यहां से हमारा ट्रैक स्टार्ट होता है और हम यहां से ऊपर चढ़ते हैं। तो आपको ये बोर्ड और ये दुकान ध्यान रखना, उसके बाद आपको जैसी ये सीढ़ियां टाइप की दिखें तो आप ऊपर चढ़ जाना। इस मूवमेंट के लिए हम लोग ने सुबह से इंतजार करा, फाइनली ये ट्रैक शुरू हो रहा है। कितनी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं पहली बार आ रहा हूँ, कितनी सांसें फूलने वाली है नहीं पता। कच्ची रोड से हम लोग ऊपर को चढ़ रहे, दिखाता हूँ आपको। सुबह शुरू में कुछ ऐसा रास्ता है जैसे घोड़े चलते हैं ना, उस तरीके का कच्चा रास्ता है। और मौसम ये देखिएगा इतना अच्छा लगता। तो देखिए हम लोग वो नीचे हमने दुकान है ना वहाँ पर अपनी स्कूटी पार्क करी, वहाँ से हम ऊपर को आ रहे हैं। और जो पहला हमने आपको गेट दिखाया था ना जहाँ से हमने एंट्री करी थी दुकान में पूछा था वो है। तो यहाँ से आपको पूरा रास्ता दिखाई दे रहा है। वैसे थोड़ी देर बाद हमें कुछ ऐसा रास्ता मिला है, यहाँ पे गोरखनाथ मंदिर प्रवेश द्वार है, यहाँ से हमें आगे जाना है। हर हर महादेव की आवाज आ रही है। तो हमें जाना कहाँ, वो देखिए वो टॉप दिख रहा है यहाँ पहाड़ी में, बादल दिखे बड़े बड़े, उस टॉप पर हमें चढ़ना है। ऐसा सोच के डर लग रहा है क्योंकि बहुत कड़ी चढ़ाई है ये देखिए। दोस्तों वहाँ देखिए उतने ऊपर जाना है, वहाँ पर एक आदमी खड़ा है ना, बट वो थोड़ा सा ही रास्ता है अभी, हमें बहुत ऊपर जाना है। दोस्तों बारिश के साथ हमारा आज पूरा साथ बना हुआ है, फिर से तेज बारिश शुरू हो गई है, बहुत मजा आ रहा है। देखिए कितनी ऊंचाई पे आ गए अभी, आई थिंक हम लोग आधा भी नहीं आए, 25% भी नहीं आए। सो गाइस अब देखिए कितनी तेज बारिश शुरू हो गई है। कमल से बोला मैंने छाते दे दो, नहीं मना कर रहा है, हम छाता भी लाए हैं, कह रहा मुझे भीगना है, कैलाश दरबार में जाके आज भीग के जाऊंगा कह रहा। यहाँ से देखिए बहुत सारे भक्त आ रहे हैं। तो दोस्तों पहला स्टॉपेज आ गया जहाँ पर बैठने का बना हुआ है, यहाँ पर दो बैठने के बने हुए हैं, एक मेरे पीछे आप देख रहे हैं। हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट करा, हमने पानी वानी पिया, एक इसके सामने बना हुआ है। तो करीब जब आप आधा पौन किलोमीटर चल लेते हो उसके बाद आपको ये थोड़ा सा विश्राम करने के लिए मिलेगा, सामने ही पानी भी आ रहा है तो आप वहाँ पीने का पानी भर सकते हैं। बहुत अच्छा ट्रैक है, अभी तक हम लोग आधा जो रास्ता आ गए हैं कम से कम 1.25 किलोमीटर है, बहुत अच्छा। अब हम यहाँ से आगे को बढ़ते हैं। यहाँ पर सुना है कि घोड़े वाले भी ले जाते हैं आपको ऊपर, 500 रुपये लेते हैं सिर्फ ले जाने का। उसके लिए आप पहले ही बात करके रखना क्योंकि हमें रास्ते में तो दिखे नहीं, बट कुछ लोग ने बुक कराया था तो वो घोड़े वाले को बुला रहे हैं। तो देखिए मौसम कितना अच्छा बना हुआ है आज ये देखिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ी देर विश्राम करा, ये पानी है जो मैं आपको बता रहा था। बारिश बहुत तेज हो गई है, भोले के भक्त देखिए आगे जा रहे हैं और हम भी उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा ट्रैक है, बारिश के समय तो बहुत ही अच्छा लगता है और हर तरफ आपको ऐसे बादल दिखेंगे, ये कोहरानी बादल है। तो गाइस जहाँ पर हम लोग बैठे थे उससे करीब 300 मीटर और आगे एक और अच्छा बैठने का बनाया, वुडन टाइप का बना रखा है, काफी क्लासी है देखिए, लकड़ी का बना है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर काफी अच्छा बैठने का बना हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया वुडन लकड़ियों से काट के बनाया गया, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और यहाँ पर क्या है ना, ऊपर बहुत अच्छे तरीके से आपको कवर किया गया, तो जैसे इस समय बहुत तेज बारिश हो गई है तो हमें भी थोड़ी देर रुकना पड़ा, वैसे तो मैं पूरा भीग ही गया हूँ, लेकिन यहाँ पर अगर आप भीगना नहीं चाहते तो आप आराम से यहाँ पर आपका रेस्ट कर सकते हो। सब यहाँ पर शिवरात्रि को बहुत ज्यादा भीड़ होती है, इतने सारे लोग हल्द्वानी से और बाकी नैनीताल अल्मोड़ा से लोग आते हैं, तो इस वजह से यहाँ पर इस तरीके की प्रिपरेशन की गई है। तो यहाँ पर 30-40 लोग आराम से बैठ सकते हैं, बहुत अच्छा बैठने का करा हुआ है इंतजाम। बाकी उस दिन तो यहाँ पर रास्ते में आपको बहुत सारे भंडारे भी दिखेंगे, यहीं पर एक पीछे दुकान भी है। और हम लोग अब यहाँ से आगे को बढ़ते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, भोले बाबा की जय। तो दोस्तों वहाँ पर जहाँ हम बैठे थे वहाँ से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर कुछ दुकान से शॉप बन रही है अभी, बाकी यहाँ पर लगता है कि भंडारा वगैरह होता होगा।
महादेव भैया। आप यहाँ पर आइए, इस ट्रैक को करिए, बहुत ही मनमोहक, बहुत ही अच्छा ये ट्रैक है। अगर आप भगवान के भोले के भक्त हैं तो आइए, अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो आइए, अगर आप घूमने के शौकीन हैं तो आइए, नैनीताल घूमने आ रहे हैं तो आइए, और आपको इस तरीके का कुछ नज़ारे देखने को मिलेगा। और अगर आपने ये ट्रैक बारिश के मौसम में कर लिया ना, वैसे आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे इस ट्रैक को, अगर आपने बारिश के मौसम में इस ट्रैक को कर लिया। इतना अच्छा ट्रैक है ये, वन ऑफ द बेस्ट ट्रैक इन नैनीताल, दिस आई कैन से। मैंने नैनीताल में बहुत सारे ट्रैक करे हैं, बहुत सारी जगह गया हूँ, और अगर आपने, हो सकता है कि मौसम की वजह से भी, और आज सुबह से जिस तरीके से बारिश बनी हुई है उस वजह से भी मेरे को इसकी खूबसूरती, मतलब जैसा होता है ना पहाड़ नहा के आते हैं तो ये, मतलब ये नज़ारे हैं, तो ये ट्रैक जरूर करिएगा, इसको मिस मत करना अगर आप नैनीताल आ रहे हैं। सो कुछ इस तरीके का नज़ारा हो गया है, मतलब ऐसे नज़ारे तो भाई किस्मत से ही मिलते हैं, और आज हम बहुत किस्मत वाले हैं, हमें इस तरीके के कुछ नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। अभी हमें ऊपर जाना है इस पहाड़ी के ऊपर, सो आगे कंटिन्यू करते हैं और आप लोग को ऊपर दिखाते हैं नज़ारे। तो दोस्तों एक पीछे छोटा सा शिवलिंग सा बना हुआ है और ये टंकी बनी हुई है, इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पहचान होगी कि आप आधा आ गए हैं, अभी करीब आधा ही आपको और जाना है, लेकिन बहुत ही मज़ा आ रहा है। तो यहाँ की ये देखिए घास लेके आ रहे हैं ऊपर जंगल से, ये बुबू है, पानी भी मिल जाएगा ऊपर बता रहा है बुबू। तो जंगल में पहले तो हमने पूछा कि यहाँ पर जानवर का डर तो नहीं, अभी तक तो नहीं बताया, बट जंगल में आप कह नहीं सकते हो। और गाइज यहाँ से व्यू देखिए कितना शानदार, तो जैसे व्यू तो मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इतना मनमोहक है ना, अगर जो एनवायरमेंट और नेचर प्रेमी और जो पहाड़ों को प्यार करता है वो तो खुशी हो जाएगा यहाँ पर। देखिए बकरियां आ गई नीचे, ये सारी हमारे पास आ गई है, ये देखिए कितनी सारी बकरियां आ गई, ये देखिए। तो दोस्तों फाइनली इतनी मेहनत के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं आदि कैलाश भगवान शंकर के दरबार, आइए आपको दिखाते हैं, चलिए मेरे साथ। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव, हर 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 हर महादेव। सो दोस्तों हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं शिव जी के दरबार, ये देखिए शिव जी का दरबार कितना अच्छा है, और आज यहाँ पे जलाभिषेक भी हो रहा है, पूरा मंदिर भीगा हुआ है, बादल हैं, बारिश है, और हम लोग आज आए हुए हैं, कितना अच्छा दिन है। तो ये सबसे ऊंची चोटी पे है यहाँ पे भीमताल में, और यहाँ पर देखिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, आपको दिखाते हैं यहाँ के दर्शन करवाते हैं।
पर जोंक लग चुकी है, देखिए कमल के पैर में बहुत बड़ी जोंक लग चुकी है। अरे बाप रे, बहुत ज्यादा खून आ गया। दो तीन लगी है, दो तीन लगी है जोंक लग हमारे भी लगी हुई है भाई। आपके भी लग गई? खून चूसती है, देखिए ऐसे खून चूसता है। चुनरी सी रली है, छाता के नीचे तो विष्णु भगवान है, छाता के नीचे विष्णु भगवान है भाई। और कौन है ये मीन जो लिंग है ना फूल के बगल में? अच्छा, सबसे छोटे वाले। हाँ जी, वो सतयुग में शिव जी ने रखे हैं। अच्छा, और उसके बाद वो दिया है बड़ा वाला जिसमें दो ज्वाइंट है, वो सतयुग का है। और ये हवन कुंड है, तीन चीजें हुई यहाँ पे मीन। तो सबसे उस दिन तो बहुत भीड़ होती है ना शिवरात्रि के दिन, यहाँ पे हजारों लोग आते हैं ना? हजारों नहीं, लाखों, करीब 4.5-5 लाख। अरे भाई, इतने लोग समा जाते हैं यहाँ पे? समाते कहाँ है, दो लाइन ऊपर को दो नीचे को, और ये वो पूरा फील्ड है उधर तक, तो सारे लोग मतलब जमा हो जाते हैं इधर को उधर को कहीं को भी। नीचे धर्मशाला है, भंडारे का आयोजन नीचे ही होता है यहाँ यहाँ पे। अच्छा, सतयुग में ब्रह्मचारी महाराज के हेला खान विश्व धाम सुना होगा, तो वहाँ ब्रह्मचारी महाराज थे मीन भक्त भोलेनाथ जी के। अच्छा। उन्हें दर्शन देने भोलेनाथ जी मानसरोवर से खुद ही पहुँच गए वहाँ। अच्छा, दर्शन दिए। हेला खान में एक गुफा है। अच्छा, भोलेनाथ जी गुफा के भीतर को गए दर्शन देके, तो बड़ा आश्चर्य हुआ ब्रह्मचारी महाराज को। ब्रह्मचारी महाराज को दर्शन दिए, भोलेनाथ जी गुफा के भीतर को चल दिए। तब ब्रह्मचारी महाराज को आश्चर्य हुआ, भोलेनाथ जी दर्शन देने तो उतनी दूर से आए, अब कहाँ गए? कहीं ऊंचे पर्वतों में गए होंगे, मैं भी चलूँ धीरे धीरे। वह पैदल चले, वह भगवान किस रूप में चलते हैं, नर हुए वह नारायण हुए। उनके आने तक भोलेनाथ जी ने यहाँ पे मीन लिंग की स्थापना करी, वो दिए की स्थापना करी, और ये हवन कुंड दिया लोहे का है वो। तो जैसे यहाँ पे उन्होंने ये तीन चीजों की स्थापना कर दी, अब हवन की आई तैयारी। अब हवन कहाँ से? वो आदिशक्ति जरूरी चाहिए, बगैर आदिशक्ति के हवन नहीं होता है। जैसे ही ब्रह्मचारी महाराज यहाँ पहुंचे ऊपर, उन्होंने माता पार्वती को प्रकट करके हवन चालू कर दिया। ये हुआ कब? सतयुग में। सतयुग और त्रेता युग दो युग छूट गए, ब्रह्मचारी महाराज ने किसी को बताया ही नहीं। अब कौरव और पांडवों में लड़ाई हुई, शरणार्थी जो थे पांडवों के कृष्ण थे। तो यहाँ पे पांडवों ने ऐसे गुप्तवासों पे शक्ति प्रदान करी, तो यहाँ पे पांडवों ने शक्ति प्रदान करके फिर उत्तर दिशा को गए। भीम को लगी थी प्यास अधिक, अब कोई ये एक घंटे या दो घंटे थोड़ी यहाँ साधना करी होगी, महीनों करी होगी या वर्षों करी होगी। उसके बाद उन्हें प्यास लगी, तो सीधे गए उत्तर दिशा को, दूसरी कैलाश को। वहाँ पहुँचे तो जैसे भीमताल गए, भीम ने मारी गदा तो ताल बना दी। ये भीमताल जो है भीम के नाम से है। जब द्वापर में यहाँ पर पांडवों ने मतलब ये शक्ति प्रदान करी थी, तब ये मंदिर द्वापर से पूजनीय है। ये तीन चीज़ें जो हैं सतयुग की। तो दोस्तों, ये आपने इस आदि कैलाश की पंडित जी से बहुत पहले पुरानी बातें वो सुनी। और ये आदि कैलाश मंदिर जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये भीमताल में स्थित है, नैनीताल में। और यहाँ पर आप आके दर्शन करें और अपने ज़िंदगी को सुखी बनाएं। बहुत ही अच्छा मनोरम दृश्य आज देखिए। यहाँ हम लोग आए हुए हैं, बारिश हो रही है, यहाँ पर कांवड़ रखे हुए हैं। देखिए, जैसे अभी सावन का महीना भी ख़त्म हुआ है, तो यहाँ पर कांवड़ रखे हैं। तो ये बहुत ही ऊँची चोटी पर स्थित ये मंदिर है, जो कि भीमताल में स्थित है, नैनीताल में स्थित है। और आप इसे दर्शन करके शिव जी का पूजा कर सकते हैं, और यहाँ पर आप ऊपर ट्रैक करके आ सकते हैं। तो ये करीब 3-3.5 किलोमीटर का ट्रैक है, जो कि हल्द्वानी और भीमताल के रास्ते से स्टार्ट होता है। और मंदिर की अगर आपको सारी बातें अच्छी लगी, तो आप इस मंदिर को और इस आदि कैलाश शिव जी के घर को आप पूजा करने आइए, और यहाँ का लाभ उठाइए। हर हर महादेव।
दोस्तों इस जगह की ना वाइब्स बिल्कुल ही अलग है, क्या ही कहा जाए। देखिए पूरा यहाँ पर बादल से ढका हुआ है और बारिश हो रही है लगातार आज सुबह से, और इतने अच्छे दर्शन हुए, पंडित जी ने हमें बहुत अच्छे से पूजा करवाई है। आप लोग इस मंदिर पर जरूर आइएगा, आदि कैलाश मंदिर पर जरूर आइएगा, और हम आपको आप नीचे का दर्शन करवाते हैं। नीचे भी यहाँ पर कुछ और बाद में कंस्ट्रक्शन हुआ है वो दिखाते हैं। तो दोस्तों इस जगह की अगर आपको फील लेनी है ना, आप यहाँ आओ, आप वीडियो देख के इस जगह की फील को कभी भी महसूस नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर देख डस्टबिन भी है, बैठने के लिए कुर्सियाँ भी लगी हैं, जिस तरीके से बजाते हैं लाखों लोग आते हैं, तो बहुत ही ये देखिए कितना अच्छा यहाँ पे इंतजाम होते होंगे। ये बहुत बड़ा कुंड है देखिए, जो पंडित जी ने आपको बातें बताई थी अगर आपने सुनी है अच्छे से हो तो, ये उन्हीं कुंड में वही कुंड है जो कि अब थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ा दिया गया है, और आज ज्यादा कुछ दिख नहीं रहा है दूर दूर तक क्योंकि मौसम इतना अच्छा बना हुआ है। एक वो वहाँ पर कुछ है, एक वो वहाँ पर है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ के ना इस जगह के 360 व्यू दिखाता हूँ, अभी क्लियर नहीं आ रहा है क्योंकि फिर से बहुत सारे बादल आ गए हैं। ये वो कुंड है और ऊपर वो मंदिर है आदि कैलाश, यहाँ पर हमने अभी दर्शन करे और यहाँ पर बैठने का है, और इस समय हम सबसे ऊपर हैं पहाड़ में। ये देखिए तो यहाँ से मैं आपको अगर दिखाने की कोशिश करूँ तो कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि इस समय पूरे बादल आ चुके हैं, देखिए हर तरफ व्हाइट व्हाइट आपको दिख रहा है। तो बहुत ही मनमोहक, बहुत ही दृश्य यहाँ का बहुत ही अच्छा है। आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करिए, कमेंट जरूर करके बताइए कि आपको ये यात्रा कैसी लगी। आपको इस जगह की इन्फॉर्मेशन अगर आपको पहले से थी तो आप कुछ और भी बता सकते हैं जो हमने मिस कर दिया। बाकी इस जगह के आप दर्शन करने आइए, और अगर बारिश के दिन आपको ऐसे हमारी तरह दर्शन करने का मौका मिले तो आप लकी हो गए, ठीक है। और अगर किसी दिन भी आते हैं आप जरूर आइए, यहाँ पर बहुत ही अच्छा, बहुत ही वीरान जगह है। यहाँ पर आके ऐसा लग रहा है कि जैसे हम बिल्कुल सिटी से कट गए हैं, और यहाँ की अलग ही वाइब्स हैं, पहाड़ के जो वाइब्स होती है ना वो बिल्कुल टॉप पे है। सो गाइस इसी के साथ इस वीडियो को फिनिश करते हैं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, नीचे कमेंट करके बताइए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।